ऋषभ को उसके हॉस्पिटल से एक वार्ड बॉय के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पापा मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं उसे कैंसिल नहीं कर सकता। डॉक्टर ऋषभ अपने हॉस्पिटल में चल रही इलीगल एक्टिविटीज के पीछे कौन है ये जानने के बहुत करीब पहुंच चुके थे और उसकी हर खबर वो डॉक्टर कार्निक को दिया करते थे। इसका मतलब डॉक्टर कार्निक? What a fool I was. मैं डॉक्टर ऋषभ की बेल मंजूर करता हूँ। डॉक्टर ऋषभ आप क्या समझते हैं? आप अपने आप को क्या समझते हैं? आप लोग अपने आप को, आप लोग कुछ भी करेंगे और मैं चुपचाप खड़ा देखता रहूंगा। यही सबसे बड़ी गलती करते हैं आप लोग। एक शरीफ आदमी को बेवकूफ समझते हैं, कमजोर समझते हैं आप लोग उसे। लेकिन किसी भी आदमी को हद से ज्यादा धक्का दिया जाए तो वो भी सर उठाता है। और मैं सब कुछ एक्सपोज करूंगा मीडिया में, सबके सामने आप सबको एक्सपोज करूंगा मैं। डॉक्टर ऋषभ होश में आइए, धमकी किसे दे रहे हैं आप और जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? अच्छी तरह से जानता हूं किससे बात कर रहा हूं मैं और पहचान गया हूं आप सबको। सबके नकाब उतरेंगे डॉक्टर कार्निक, सबके नकाब उतरेंगे। और आप डॉक्टर कार्निक, डॉक्टर ऋषभ होश में आइए, आप नहीं छोड़ेंगे, सब अब शांत हो जाएंगे। ना तो ये मौका है ना वक्त है सब करने का, उद्घाटन तो कर ही देंगे इनका, कौन सा बड़ा बात है। आइए आप चलिए, आप चलिए, आ जाइए, आप जाइए अपने अपने काम पे जाइए। कसम बाबू बात तो सुनिए, अरे बात तो सुनिए, आप क्यों इंटरफेयर करते हैं आप लोग? ये मेरी लड़ाई है, मुझे लड़ने दीजिए, बीच में क्यों आते हैं आप लोग? कसम बाबू ये जो अफेक्शन है ना आपके लिए हमारे दिल में, ये मजबूर करता है कि हम मिल जाए लोगों से, आरती उतार दें इनका और आपको मुंह ना लगने दें इनसे। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ और मैं सच बोलने से नहीं डरता हूँ। ये लोग सारे करप्ट हैं, सब गलत काम करते हैं और ये सब एक्सपोज करूंगा मैं अकेला काफी हूं सबके लिए। हम जानते हैं दैट आई नो, मगर जो ये सच या अहिंसा या कर्म धर्म, ये जो आपका मॉरल स्टैंडर्ड है, इससे भिड़ेगा इनसे। वैसे बाबू हर आदमी अपने अपने काम में प्रोफेशनल होता है, डॉक्टर आप हैं, ऐसे शरीफ दिखने वाले गुंडों का पोस्टमार्टम सिर्फ हम कर सकते हैं, आप नहीं। अभी बाबू साहब आने वाले हैं, उन्होंने ही भेजा है, कहा कि हम रोके आपको जाके। फिक्र मत कीजिए रे सब बाबू, सब ठीक हो जाएगा, हम कह रहे हैं आपसे इतनी नाम रखिए। भगवान दास जी हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, पता नहीं वो ओम शंकर और उसका दामाद हमारे खिलाफ क्या चाल चले, और इस हालत में ऋषभ कुछ भी कर सकता है। कुछ नहीं कर सकता डॉक्टर ऋषभ, क्या करेगा डॉक्टर ऋषभ, सिवाय धमकी देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता वो। अगर उसे हम पर शक है ना तो होता रहे, कौन बिलीव करेगा? प्रूफ चाहिए, कोई भी इल्जाम साबित करने के लिए प्रूफ चाहिए और वो प्रूफ डॉक्टर ऋषभ के पास बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि उसके खिलाफ हमें कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। यस डॉक्टर कार्निक, आपको जल्दी कोई ना कोई स्टेप लेना ही पड़ेगा, इस मामले को इतना लाइटली मत लीजिए आप। अरे डॉक्टर साहब, सिंथिया बिटिया बहुत परेशान है, आप ठीक तो है ना? ऐसा गुस्से में आप निकले ना कि बाबू साहब सब ठीक है, कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ। थोड़ा तमाची आप कर चुके हैं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर ऋषभ, डॉक्टर रोशन दिल्ली से आ गई हैं और त्रिशा जी को एग्जामिन कर रही हैं, इसके बाद वो आपसे मिलना चाहती हैं। मिस्टर सुजीत आपकी वाइफ आपको बुला रही है अभी। अच्छा बात है, आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ मैं त्रिशा जी। सच बहुत कम औरतें होती हैं जो इतना मुश्किल फैसला लेती हैं। मैं गवाह हूं उस बात की त्रिशा जी कि जब खुद की और अपने होने वाले बच्चे की जान में से चुनने की बारी आती है ना, तो प्रायोरिटी हमेशा खुद की जान को दी जाती है। बट यू आर ब्रेव। ये देखिए एक और त्रिशा, मतलब
इस ब्रीड के और भी सैंपल हैं इस दुनिया में। ऑपरेशन और इमोशन का कॉम्बिनेशन, ऐसे कैसे डॉक्टर हैं? आप शायद बहुत गुस्से में हैं। आई डोंट ब्लेम यू। इतना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन अपने साथ रखेंगे ना तो किसी ना किसी पे तो जरूर उतरेगा। कंट्रोल में रखिए, देखिए अपनी वाइफ को कितना काम और कंपोज्ड है वो, कितना स्माइल कर रही है। यू मस्ट लर्न समथिंग फ्रॉम हर। इनकी जैसे कंडीशन में बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ये कह देगा कि ये बहुत बड़ा रिस्क ले रही हैं। शी मस्ट अवॉइड इट, बट हियर शी इज, शी इज डूइंग इट, शी इज ब्रेव। प्रवचन, साइकेट्रिस्ट तो नहीं कहीं आप? मतलब बड़ा गहरा बात करती हैं। अगर ऐसा है तो गलत जगह आ गई हैं, क्योंकि ये तो मैटरनिटी वार्ड है। वो जो वो पागलों का वार्ड है वो तीसरे माले पर है ऊपर, तो वहां आपको आपके लाइव पेशेंट मिलेंगे या नहीं, गलत आ गई हैं। हम छोड़ाते हैं, चलिए आपको वहां आइए। जी मैं बिल्कुल सही जगह पे आई हूँ, और त्रिशा जी ही मेरी पेशेंट है, और मैं साइकेट्रिस्ट नहीं गायनेक हूँ। और त्रिशा जी ही मेरी पेशेंट है जिनकी हिम्मत की मैं दाद दे रही थी। वैसे त्रिशा जी अब तो आपकी डबल तारीफ करनी पड़ेगी, आफ्टर ऑल शी हैज टू हैंडल यू एज वेल। थैंक यू डॉक्टर रोशनी, मुझे कोई तो मिला जो मेरी तरफ से लड़ सके। ऑफ कोर्स, अब आप आराम करिए, मैं आपसे बाद में आके मिलती हूँ। टेक केयर। एक्सक्यूज मी प्लीज। हेलो डॉक्टर ऋषभ। हाय। हाय। आई एम सॉरी मैं आपको रिसीव नहीं कर पाया। दैट्स ओके। ये हैं पेशेंट के पिताजी ओमशंकर जी। नमस्ते। आई मस्ट टेल यू आपकी बेटी बहुत ही बहादुर है। इतने मुश्किल डिसीजन पे टिके रहना आसान नहीं होता। सब ईश्वर की कृपा है और बाकी सब आपके हाथ। जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ये लीजिए डॉक्टर ऋषभ। क्या है ये? सस्पेंशन ऑर्डर है आपका। अब जब तक पुलिस इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती आप यहां काम नहीं कर सकते। अब ऑफिस जाइए, अपनी पर्सनल बिलोंगिंग लीजिए, and I want you out of my hospital immediately. Aye, doctor. I don't believe this. मजाक है क्या? अगर ये लोग सोचते हैं कि ये मुझे सस्पेंड करेंगे तो मैं इन्हें एक्सपोज नहीं करूंगा तो बहुत ही गलत सोचते हैं ये लोग। डॉक्टर साहब, इस हॉस्पिटल में कुछ तो इलीगल चल रहा है और ये लोग जल्दबाजी में, वरना इतनी बड़ी बदतमीजी नहीं करते। सरप्राइज होने की जरूरत नहीं, ये नजारा मैं पहले भी देख चुका हूं। डॉक्टर ऋषभ की फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रॉन्ग। व्हाट अ फॉलोइंग। डॉक्टर ऋषभ बहुत ही खास इंसान होंगे जो पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ उनकी सपोर्ट में खड़ा हो गया। डॉक्टर, व्हाट डू वी डू नाउ? और ज्यादा गड़बड़ होने वाली है ऐसा मुझे लगता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसका सोल्यूशन निकलेगा, मैं देखता हूँ।
शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए, क्वाइट क्वाइट प्लीज, क्वाइट प्लीज, क्वाइट, थैंक यू। देखिए हम लोग एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, इसलिए आपको हक है कि आप जिसका चाहें उसका साथ दें, लेकिन यही डेमोक्रेसी मुझे और मेरे मैनेजमेंट को यह हक देती है कि हम अपने हॉस्पिटल का नाम खराब ना होने दें। डॉक्टर ऋषभ पर खून का इल्जाम है, कोर्ट ने इन्हें सिर्फ बेल दी है, इज आउट ऑन बेल, लेकिन कोर्ट ने इन्हें निर्दोष साबित नहीं किया है, और जब तक कोर्ट इन्हें निर्दोष साबित नहीं करती हम इन्हें काम पर नहीं रख सकते। इसलिए अगर स्ट्राइक करना चाहते हैं तो कीजिए, डॉक्टर ऋषभ का साथ देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन जो कोई भी डॉक्टर ऋषभ का साथ देगा वो हॉस्पिटल से सस्पेंड माना जाएगा। नो सैलरी, नो प्रोविडेंट फंड्स, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत हम ये कदम उठा सकते हैं, हम आप लोगों को नौकरी से निकाल भी सकते हैं। अब आप सभी लोग सोच समझ कर फैसला कीजिए कि आप लोगों को करना क्या। लोग सब मेरी तरफ से मैनेजमेंट के खिलाफ खड़े हो गए हैं, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि मेरे लिए आप लोग अपनी नौकरी खतरे में न डालें, और वैसे भी हम लोगों की वजह से पेशेंट्स को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हम लोगों की पहली ड्यूटी हमारे पेशेंट्स की तरफ है। नहीं, ये नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। आज आप हैं, कल हम में से कोई भी हो सकता है, और मेरे एक की वजह से इतने सब की नौकरी जाएगी, वो कहां का इंसाफ होगा? क्या करेंगे ये लोग सब? आप मेरी बात मानिए, अपने अपने काम पे चलिए, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ है, इतना मेरे लिए बहुत है। चलिए 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 काम पे लगे, चलिए प्लीज। क्या हुआ? अरे कुछ बोलो तो सही, क्या हुआ है? वही हुआ है जो मुझे पहले समझ जाना चाहिए था। सस्पेंड कर दिया है मुझे अस्पताल से। What? But why? How can they do that? क्योंकि ऐसा शक है कि मैंने खून किया है किसी का, बेल पे छूटा हूं। But you're innocent. शुभिया, बाबूजी को पता है? हाँ, वहीं थे। संध्या दीदी, हम थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहां भी सब लोग डिस्टर्ब होंगे। हाँ तुम जाओ काकू। डॉक्टर ऋषभ बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं हुआ। आपको किसने बताया? आपके हस्बैंड ने? वो तो मेरे सामने कुछ कहते ही नहीं है। मेरे पिताजी के साथ कुछ खुसर-पुसर चल रही थी, तब मुझे पता चला कि जरूर कोई बात हो गई है, लेकिन ये बात मुझे बताई नहीं जाएगी। फिर आपको कैसे पता चला? नर्स से। मैं बातें निकालना अच्छी तरह जानती हूँ। त्रिशा जी, वैसे आपको नहीं बताने की भी एक वजह थी। We didn't want you all stressed out. वैसे आपको ये बात पता चल ही चुकी है, तो ये भी बता दूं कि आपको इस बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? डॉक्टर ऋषभ इज केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ, एंड स्टॉप थिंकिंग
मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लूंगी। मुझे पता है कि मुझे अपने आप का ख्याल रखना है। यू बेटर, वरना आपके हस्बैंड ना मुझे बहुत डांटेंगे। वैसे डॉक्टर रोशनी, इन्होंने सुबह आपसे जो कुछ भी कहा, प्लीज उस बात का बुरा मत मानिए। ओह कम ऑन त्रिशा जी, मैं जानती हूँ ऐसी बातें होती रहती हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ पर उससे पहले एक औरत, और मैंने आपके हस्बैंड की किसी भी बात का बुरा नहीं माना, ओके? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं, और वो उनका प्यार बोल रहा था। He is really stressed out. बेइंतहा प्यार करते हो, इसलिए मुझे इस हालत में देख नहीं सकते। मेरे इस बच्चे की जिद के वजह से डर गए हैं, इसलिए बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं। त्रिशा जी, आपके हस्बैंड एक बहुत अच्छे इंसान हैं। वैसे शायद उन्हें अपनी अच्छाई दिखाना नहीं आता, या जान पूछ के अपनी अच्छाई दिखाते नहीं है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, वो बाहर से कड़क है और अंदर से एकदम मोम। डॉक्टर रोशनी, यस, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। सच बताइएगा, आपने दो दो डिग्री ली है ना, एक गायनेक की और एक साइकेट्रिस्ट की? ओह गॉड। डॉक्टर साहब, ऋषभ बाबू को यहाँ से सस्पेंड कर दिया है तो हम क्या कर रहे हैं? हमें तो तुरंत ले जाना चाहिए त्रिशा को यहाँ से। क्यों, क्या मतलब है आपका जीजू? हम समझे नहीं। मुझे गिद्द है, मुझे सारा मैनेजमेंट चौकड़ी है, सब जानते हैं कि हम ऋषभ बाबू का साथ दे रहे हैं। कितना खतरा है त्रिशा को? खतरा? अरे बड़े दामाद जी, त्रिशा को इस हॉस्पिटल में खतरा? बड़े दामाद जी, इस हॉस्पिटल में त्रिशा की जान को खतरा? नहीं नहीं, देखिए इस हॉस्पिटल की व्यवस्था खुलेआम कुछ भी नहीं कर पाएगी। हॉस्पिटल की इज्जत का सवाल है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए त्रिशा की जान का यहाँ खतरा नहीं है। ऋषभ बाबू के लिए इतना जहर भर के बैठे हैं अपने दिल में, फिर सब उगल दिए तो क्या करेंगे हम? उसे कुछ कर दिए तो क्या करेंगे बाबू साहब? हमें तुरंत लेके निकलना चाहिए, नहीं रखना चाहिए उसे यहाँ। What? दूसरा अस्पताल? But why? और ये सब आपने मुझसे बिना पूछे कैसे डिसाइड कर लिया? Let me tell you all, I am her doctor and I'm not going to give you permission to shift her out of here. Please understand. ये सेफ नहीं है। हमें किसी का भी परमिशन का जरूरत नहीं है डॉक्टर रोशनी। हम उसके फैमिली मेंबर हैं और हम डिसाइड करेंगे कि उसका इलाज कहाँ होगा। आप कौन हैं? उससे इस अस्पताल में खतरा है ये हम जानते हैं। शाजी को किस बात का खतरा हो सकता है? वो दरअसल डॉक्टर साहब ऐसा है कि बड़े दामाद जी का मानना है कि डॉक्टर ऋषभ के साथ इस हॉस्पिटल में जो कुछ लगता नहीं है बाबू साहब, विश्वास है हमको कि उसे खतरा है, नहीं रहेगी इस अस्पताल में। और डॉक्टर कौन करेगा उनका इलाज? कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकती हैं, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आई एम वेरी सॉरी, आई एम नॉट अफिलियेटेड विद एनी अदर हॉस्पिटल। मुझे त्रिशा के केस के लिए इस हॉस्पिटल ने स्पेशली बुलाया है और मैं उनकी ट्रीटमेंट और कहीं नहीं कर सकती। देखिए त्रिशा जी इज माय ओनली पेशेंट और मैं हर समय उनका ध्यान रखूंगी, ओके? स्पेशली इस हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज हैं, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, सब लेटेस्ट हैं, समझिए ये और कहीं नहीं मिलेगा। और आप सब भी तो हैं ना, क्या हम सब मिलके त्रिशा जी का ख्याल नहीं रख सकते? दामाद जी, डॉक्टर साहिबा बिल्कुल सही कह रही है। हाँ जी, डॉक्टर रोशनी के बगैर दीदिया का किसी और हॉस्पिटल में इलाज कैसे हो सकता है? Let me assure you, Mr. Sujit, मेडिकली त्रिशा जी के लिए इससे अच्छा हॉस्पिटल और कोई भी नहीं है। प्लीज बिलीव मी। मुझे मम्मा पापा के पास जाना है, मुझे पापा के पास ले चलो, मुझे मम्मा जी। बस बस बंटी, मैंने बताया था ना बेटा, मम्मी पापा दोनों बिजी हैं, जैसे वो फ्री हो जाएंगे हम आपको ले चलेंगे उनके पास। मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे मम्मा जी प्लीज। ओफो, जब ये कह रहा है तो भेज दीजिए ना इसे, इसकी माँ को फोन कीजिए और बोलिए उससे कि आकर ले जाए।
अब तो ऋषभ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। प्रॉब्लम? पापा को कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी दादी तो ऐसे ही मजाक कर रही है। उत्तरा कितनी बार कहा है तुमसे कि बस बस रहने दीजिए, आप हमेशा मुझे ही टोकते हैं। इस घर में मुंह खोलना ही गुनाह है, सब अपनी मर्जी के। वो सिंथिया इस बंटी के बहाने इस घर में घुसना चाहती है। उत्तरा बस, अब बहुत हो गया। मैं भी तो कह रही हूँ कि बहुत हो गया। उत्तरा दादाजी प्लीज डोंट फाइट, आप झगड़ा मत करिए प्लीज। अच्छा पहले ही अपसेट था, तुमने उसे और उदास कर दिया। तो भेज दीजिए ना उसे अपने घर। उसकी माँ को उसका जरा भी ख्याल होता ना तो आकर ले जाती ना उसे। दादी मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत प्यार करती, आपको क्यों नहीं अच्छी लगती? नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है दादी, ठीक मम्मा, मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। मुझे वहाँ छोड़ के आओ, मैं कभी नहीं आऊंगा उस घर में, नहीं आऊंगा इधर, मुझे घर छोड़ के आओ। बस, बस, दादी ठीक मम्मा, बस बस दादी ठीक मम्मा, मुझे घर जाना है दादी ठीक मम्मा, मैं नहीं आऊंगा यहाँ पे, कभी नहीं आऊंगा, मुझे घर छोड़ के आओ, मुझे नहीं दादी ठीक मम्मा, मुझे घर जाना। आ गई हूं मैं इस माहौल से, ऐसा लग रहा है जैसे as if I'm living in a nightmare। धीरज रखो सिंथिया। कब तक धीरज रखो? क्या मिला है हमें यहां आकर? स्ट्राइक टल गई, ये गुड न्यूज है हमारे लिए। डॉक्टर कार्निक, एक बैड न्यूज ये भी है हमारे लिए कि डॉक्टर ऋषभ का पड़ना और भी भारी हो गया है, सारा स्टाफ इमोशनली उसके साथ हो गया है। ये आदमी हमारे लिए एक इनक्यूरेबल डिजीज की तरह बनता जा रहा है।